जय हो, दीवान ठाकुर शक्ति सिंह की जय हो। सुना है कि आजकल तुम्हारी शैतानी ताकत के आगे बड़े बड़े शैतानों ने अपने घुटने टेक दिए हैं। मैं तो निर्बल था दीवान साहब, आपने मुझे सहारा दिया तो मैं बलवान बना। अगर आप मुझे कानून, पुलिस, अदालत और फांसी से न बचाते तो मैं जिंदा न बचता। और अब हम चाहते हैं कि हमारे सौतेले बड़े भाई और भाभी जिंदा ना रहे। कौन? ठाकुर अर्जुन सिंह और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती शारदा देवी, जो हमारी सारी खानदानी दौलत और मिल्कियत के मालिक बने बैठे हैं। अगर वो जिंदा रहे तो मैं सारी जिंदगी दीवाना ही रहूंगा और एक दिन दीवानी करते करते फुल एंड फाइनल दीवाना बन जाऊंगा और मेरे यहां पैदा होने वाले साले सब दीवाना ही होंगे। मैं ये दीवान की कतौर हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। और इससे पहले कि अर्जुन सिंह के घर में नई नस्ल का दौर शुरू हो जाए, उसकी धर्म पत्नी के गर्भ से उनके खानदान का वारिस पैदा हो जाए, उन्हें खत्म कर दो। मालकिन ठीक कह रही है सरकार, इस समय आप अपने होने वाली संतान की फिक्र कीजिए और पीछे के रास्ते निकल जाइए। अर्जुन सिंह किधर? कहां है तेरा ठाकुर अर्जुन सिंह? नहीं बताऊंगा, हरगिज नहीं बताऊंगा। शैतान सिंह नहीं सुनने का आदि नहीं है। बस शर्दा, बस अब हम पहुंच गए प्रताप सिंह के घर। प्रताप सिंह, प्रताप सिंह, प्रताप सिंह, प्रताप सिंह, प्रताप सिंह। ठाकुर साहब, प्रताप सिंह दरवाजा खोलो। प्रताप सिंह, ठाकुर साहब आप प्रताप सिंह, इस समय तुम्हारी पत्नी कहाँ है? प्रताप सिंह वो तो मायके गई हुई है। ओहो, क्या हुआ ठाकुर साहब? प्रताप सिंह ठाकुर एंड गर्भवती है। प्रताप सिंह आप ऐसा कीजिए, ठकुराइन माँ को अंदर ले जाइए, हम दाई माँ को बुला के लावत है। घबराओ नहीं, धीरज रखो। जुड़वा बच्चिया? हाँ ठाकुर साहब, जुड़वा हम शक्ल दो लड़कियां पैदा हुई हैं। आपके खानदान के वारिसों के जन्म से ये धरती पवित्र हो गई, इस गरीब की कुटिया का मान बढ़ गया। ठाकुर साहब, प्रताप सिंह सोचता हूँ क्या इनाम दूँ तुम लोगों को इस खुशी के मौके पर। ठाकुर साहब मुबारक हो शारदा। आपको भी मुबारक। ये लॉकेट कैसे है मालिक? सूर्यवंशी खानदान की पहचान है ये लॉकेट प्रताप सिंह। लगता है शक्ति सिंह के कुत्ते हमारा पीछा करते हुए यहां तक पहुंच गए। तुम एक काम करो प्रताप सिंह। जी मालिक। मेरी पत्नी और बच्चियों को लेकर यहां से कहीं दूर चले जाओ। मैं आपको अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगी, अगर आपको कुछ हो गया तो। और अगर तुमको और हमारी बच्चियों को कुछ हो गया तो तुम्हें मेरी सौगंध शारदा। बाहर निकल अर्जुन सिंह, मेरी मौत तेरे सामने खड़ी है। शैतान सिंह, मौत तेरे सामने खड़ी है। मौत तो तेरी गर्दन पर सवार है ठाकुर, फेंक दे बंदूक। देख ले ठाकुर,
इसे कहते हैं शतरंजी चाल। कैसे फंसा हमारे शिकंजे में,